नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार ने बहुमत होने के बाद भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करने पर महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाया। उन्होंने बारिश से प्रभावित लोगों की मदद के लिए राज्य विधानमंडल के तत्काल सत्र की मांग की और विदर्भ और मराठवाड़ा में सूखे की घोषणा की, जहां मानसून के प्रकोप ने खरीफ की बुआई को तबाह कर दिया और उपज अनुमानों को काफी कम कर दिया। पवार ने कहा कि ऐसा लगता है कि केवल मुख्यमंत्री ही मंत्रियों की टीम के विस्तार में देरी के कारणों के बारे में जानते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को लगता होगा कि सरकार चलाने के लिए दो लोग ही काफी हैं। मुझे नहीं पता कि इससे कुछ और लेना देना है या नहीं, बाकी दोनों के हाथ में कुछ भी नहीं है क्योंकि उनके कार्यों को दिल्ली में बैठे लोग कंट्रोल करते हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ जैसे संकट और बारिश से प्रभावित किसानों की भावनाओं को ध्यान में रखकर उन्हें वित्तीय अनुदान और सामग्री उपलब्ध कराना समय की जरूरत थी, लेकिन कोई अभिभावक मंत्री नहीं है। बहुमत में होने के बावजूद उन्हें मंत्रिमंडल का विस्तार करने से क्या रोक रहा है? पवार ने पिछली सरकारों द्वारा लिए गए फैसलों को रोकने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार में ऐसा कभी नहीं हुआ। पिछले साल विधानसभा में स्वीकृत किए गए कार्य भी ठप पड़े हैं। दूसरी तरफ शिफ्ट हुए लोग तब सरकार में थे, निर्णय सर्वसम्मति से लिए थे। अपनी पार्टी में विभाजन की किसी भी संभावना से इनकार करते हुए पवार ने कहा कि जो लोग दावा करते हैं कि उन्होंने सत्ता में आने के लिए तहलके का कारण बने हैं, उन्हें अब सरकार को ठीक से चलाना चाहिए। क्या एकनाथ शिंदे उन आंकड़ों से संतुष्ट नहीं है जिनकी उन्हें सत्ता में रहने के लिए जरूरत थी? और वे क्या चाहते हैं? उन्हें उस संकट का समाधान करना शुरू करना चाहिए जिसने लोगों को प्रभावित किया। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज। धन्यवाद।